पारा 47 डिग्री के पार है। मानो इस वक्त आसमान से आग बरस रही है। सड़कों पर लू के थपेड़े हैं और हवाओं के झोंके आपको तंग कर रहे हैं। ऐसे मानिए कि जैसे चिंगारी है, लोगों को जला रही है। ये हरियाणा, पंजाब और आसपास के जितने भी इलाके हैं, यानी कि आधा भारत इस वक्त प्रचंड गर्मी की चपेट में है। हरियाणा पंजाब में कैसे जला रही है ये जून, देखिएगा। चार तस्वीरें आपको दिखाएंगे, चार तस्वीरों में माहौल आप देखिएगा किस तरीके से है, गर्मी कैसे लोगों को परेशान कर रही है। चार तस्वीरें विभिन्न विभिन्न जगहों की आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए फरीदाबाद, भिवानी, सोनीपत, हिसार की तस्वीरें। ये गर्मी जला रही है, ये गर्मी जो है परेशान कर रही है, ये गर्मी बीमार कर रही है, ये गर्मी आपको घर से ना निकलने पर मजबूर कर रही है। हर कोई 10 से लेकर 4 बजे तक घर में रहने को मजबूर है। इंसान के साथ साथ जो पशु पक्षी हैं वो भी इस भीषण गर्मी की चपेट में है। फसलों पर भी इसका खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। और फरीदाबाद की ये तस्वीरें आप देखिएगा, लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ताकि गर्मी से उनको निजात मिले। भिवानी में देखिए फसलों का क्या हाल है, चारे की फसल तक सूखती जा रही है, ये कमोवेश स्थिति है। सोनीपत में देखिए भीषण ये गर्मी जैसे दिल्ली में लोग को जला रही है, वैसे सोनीपत भी सटा हुआ इलाका दिल्ली के साथ और यहाँ भी वैसा ही हाल नज़र आ रहा है। हिसार में भी देखिए बच्चे बूढ़े सब परेशान, यही स्थिति जून की नज़र आ रही है। यानी हम कह सकते हैं जून जला रहा है, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है और लोगों को बीमार कर रहा है। इसे इंसानी ज़िंदगी नहीं, आम जो जनजीवन है वो प्रभावित है और पशु पक्षी भी इसकी चपेट में हैं। प्रदेश लगभग एक सप्ताह से लगातार गर्मी का कहर झेल रहा है। बात जींद की करें तो जिले का अधिकतम तापमान यहां 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा है और दिन भर 13 किलोमीटर की स्पीड से चल रही लू ने लोगों को अलग से परेशान कर रखा है। लोग तो घरों से निकलने को मजबूर हैं और कुछ निकलने को राजी नहीं है क्योंकि गर्मी है। गर्मी से रात को भी लोग को सुकून चैन नहीं है क्योंकि गर्म हवाएं रात को भी 30-35 डिग्री के तापमान के साथ आपको तंग परेशान कर रही है। इसका कारण देर रात तक गर्म हवा का चलना, न्यूनतम तापमान में लगातार हो रही गिरावट है और कामकाज के लिए घर से बाहर आए लोग लू के प्रकोप से बचने के लिए गन्ने के जूस और तरबूज इत्यादि का इस्तेमाल कर रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वही सरकारी कार्यालयों में आई भीड़ के लिए पानी की जो मात्रा है वो भी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही है, प्रशासन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गोपाल ये कह रहे हैं कि गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, पिछले कई दिनों से लू भी चल रही है। ऐसे मौसम में बच्चों व बुजुर्गों को एहतियात बरतने की काफ़ी ज़रूरत है। सुबह शाम ही बच्चों व बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की हिदायत दी जा रही है, तभी वे गर्मी से बच सकते हैं। और अगर आपको निकलना भी है तो सर पर आप कपड़ा बांध कर निकले या फिर कपड़े को गीला करके मुंह पे बांध कर निकल सकते हैं या फिर और पानी पीकर या कुछ नींबू पानी पीकर ही निकले तो ज़्यादा बेहतर है। और गर्मी से होने वाली बीमारियों को लेकर भी अस्पताल प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और वो लोगों को गर्मी से बचने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। फरीदाबाद में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है। फरीदाबाद वासियों को जहां एक तरफ सूर्यदेव की प्रचंड किरणें परेशान कर रही हैं, वहीं फरीदाबाद शहर में बढ़ता प्रदूषण और आसमान में छाई धूल भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। शहरवासियों का कहना है कि इन दिनों में बारिश आ रही है और लेकिन इस बार गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है और बारिश दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रही है। यही नहीं, गर्मी का असर आम आदमी को तो परेशान कर ही रहा है और व्यापारियों को भी काफ़ी परेशान कर रहा है। गर्मी के कारण बाजारों में रौनक फीकी पड़ी है। शहरवासी गर्मी से बचने के लिए जूस पीते नजर आ रहे हैं और वहीं लोगों ने कहा है कि तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यही नहीं, बिजली पानी की समस्या भी गर्मी के बढ़ते प्रकोप में अपनी भूमिका निभा रही है। हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने मौके पर जायजा लिया, लोगों से बातचीत की है, गर्मी का हाल जाना है, देखिएगा।
समय फरीदाबाद के बाजार में और लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर इस समय है और लगातार जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, वो बढ़ता जा रहा है और गर्मी भी बढ़ती जा रही है। इसको लेकर सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी किया है कि लोग अपने घरों से निकलें तो कम से कम अपनी जो सुविधा है उसके अनुसार ही निकलें। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे भी जानते हैं क्या मानते हैं जिस तरीके से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और गर्मी भी साथ साथ बढ़ रही है। एक तो फरीदाबाद वैसे ही हमारे हिंदुस्तान का सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। यहाँ एक तो ट्रैफिक का पॉल्यूशन है, उसके साथ साथ इंडस्ट्री का पॉल्यूशन है, उसके बाद ही टेम्परेचर की मार जो आज 45-46 टेम्परेचर हो रहा है। और यहाँ का जो पर्यावरण है वो भी बहुत हल्का है, पेड़ पौधों की कमी है, तो लगभग 50 डिग्री की मार आज जनमानस को पड़ रही है। तो इसमें होना चाहिए कि हर इंडस्ट्री को ड्यूटी चाहिए कि वो पर्यावरण रखे और हर इंसान को कोशिश और अपने आप रखे, गर्मी से बच सकता जी। आपका क्या कहना है, ऐसे लोग परेशानी होती है? परेशानी तो काफ़ी होती है और गर्मी भी ज़्यादा है, इसके बारे में प्रशासन को भी कुछ करना चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, हम लोगों को पर्यावरण के ऊपर कुछ विचार करना चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए, मेरी तो यही राय है। प्रेम खट्टर साहब हैं, प्रधान हैं मार्केट के, तो प्रधान जी क्या मानते हैं किस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है, लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, आप एक मेन जगह पे हैं और मेन आदमी भी हैं बाजार के, क्या मानते हैं किस तरीके से? सबसे बड़ी कमी जो है पेड़ पौधे हमारे जगह फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ना के बराबर हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में जाके इसमें जाके सरकार ने भी जाके पेड़ पौधे काफ़ी लगाए हैं और हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि जाके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे जाके आदमी पॉल्यूशन की भी समस्या में भी फ़र्क आएगा और आम जनता को भी जाके गर्मी से भी राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ये कहना है मार्केट कमेटी के प्रधान जी का। और हमारे साथ और भी हैं भाई, क्या नाम है? मेरा जोगिंदर राव। जोगिंदर जी क्या मानते हैं जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और गर्मी और तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ जो फरीदाबाद इंडस्ट्रीज़ हब है और इस इंडस्ट्रीज़ हब में क्या है कि पॉल्यूशन निकलता है, वो पॉल्यूशन जो काफ़ी परेशानी पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात आज हम देख रहे हैं कि पूरे आसमान में रेत का गुबार सा एक छाया हुआ है, तो उससे भी बहुत उमस और चिपचिपाहट भरी गर्मी मतलब हो गई है, तो ये एक बड़ी समस्या बन रही है। पॉल्यूशन है और दूसरा ऊपर से सूरज की तेज़ किरणें लोगों को परेशान कर रही हैं, लोग अब शिकंजी पी रहे हैं, तो दुकानदार देख रहे हो आप मार्केट भी जीरो पड़ी है क्योंकि लोग सुबह शाम निकलते हैं, तो बड़ी दिक्कतें लोगों को अभी गर्मी से आ रही है। मौसम नहीं लग रहा कि अभी 2-4 दिन कुछ बदल पाएगा, तो अभी गर्मी का काफ़ी तेज़ प्रहार इस समय चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट भी सूनी पड़ी हुई है, लोगों के जो काम धंधे हैं वो भी लगभग नाके बराबर हो रहे हैं, तो कुछ और यहाँ दुकानदार भी इनसे बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं आपके दुकानदारी पे कितना असर पड़ता है जो गर्मी और वायु प्रदूषण जो लगातार बढ़ रहा है? दुकानदारी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, सुबह और दोपहर को दुकानदारी तो है ही नहीं, शाम को 7 बजे के बाद दुकानदारी है, 80% फर्क पड़ रहा है ग्राहक के ऊपर तो गर्मी का। और उसके अलावा पंखे और कूलर तो बिल्कुल फेल है, एसी भी काम करना बंद कर रखा है और उसके ऊपर जो आसमान में मिट्टी का गुबार छाया हुआ वो अलग से है। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के जो काम धंधे हैं उन पर भी लगातार असर पड़ रहा है इस गर्मी की मार का और सरकार भी लगातार हाई अलर्ट जारी कर रही है कि अपने आप को सुरक्षित रखें। फरीदाबाद से लिविंग इंडिया के लिए राजेश। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता ने भी मौके पर जायजा लिया, देखा गर्मी किस कदर लोगों को डरा रही है, किस कदर लोग को परेशान कर रही है और गर्मी से क्या कुछ मुश्किलात हैं, देखिएगा। गर्मी का मौसम है, तापमान बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन एक दो दिन से जिस तरह से जो ठंडी हवा चली है उससे कुछ राहत मिल पाई है। आइए बात करते हैं जितने भी राहगीर यहाँ पे खड़े हुए हैं और कितनी गर्मी है और कैसे अपनी दिनचर्या से शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले पूछना चाहेंगे आप कहाँ से हैं और कैसे आप इतनी धूप में बाहर जा रहे हैं? मैं बिरज गोपाल राजपूत, ग्राम भगारी, जिला महोबा का रहने वाला हूं जी। और मैं यहां पे अपनी सर्विस खुद करता हूं और जो भी धंधा है मेरा सुबह से निकलना पड़ता है गर्मी में, धूप के वजह से देखो परेशानी होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तापमान में कोई कमी नहीं आ रही है,
और ना वैसे कोई खास वो भी नहीं है, ना बादल आदल ना कुछ भी नहीं है वैसे हो रहा है। मतलब गर्मी में आप बाहर निकलते हैं सिर्फ अपना काम काज के लिए निकलते हैं? काम काज के लिए ही निकल पाते, वो भी ठंडे ठंडे में। आप देखो यहाँ पे 12 बज रहे, 1:30-2 बज रहे होंगे, ऐसी गर्मी में भाग रहे काम के लिए। हमारे साथ और भी साथ जुड़े हुए सर, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम कृष्ण कुमार है, बरेली से हूँ मैं। बट जितनी गर्मी यहाँ पर है ट्रैफिक के हिसाब से, बट मेरी बरेली में नहीं है इतनी, क्योंकि वहाँ पे खुला एरिया है, यहाँ ट्रैफिक की वजह से, प्रदूषण की वजह से बहुत सारी मतलब गर्माहट है, पारा ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर। हाँ जी जी, हमारे साथ कुछ महिला भी हैं। महिला क्या नाम है जी आपका? जी सर मेरा सरोज नाम है। तो कहाँ से आए हैं आप? सर ये मेरे हस्बैंड है और मतलब मैं यूपी की हूँ। तो पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पर ये गर्मी में तो निकला भी नहीं जा रहा, छतरी भी लेके जाते हैं तो भी गर्मी लगती है, थोड़ा हवा चलती है तो राहत भी मिलती है, पर क्या करें, मजबूरी है, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। जी जी जी। लेकिन जिस तरह देखा जाए आपकी बार पहले ज्यादा पारा बढ़ा, पहले इतना पारा नहीं था, पहले के नहीं, पहले नहीं था, पर अब तो बहुत ज्यादा तापमान हो रहा है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है निकलने में। अब क्या करें, ड्यूटी करनी है तो पेट के लिए करना है तो निकलना ही पड़ेगा। देखिए रात नहीं मिली है, कह रहे हैं कि पारा बढ़ता ही जा रहा है और काफी दिनों से यह जो धूप है गर्मी बढ़ती रही है। हमारे साथ युवा भी है, सर क्या कहना चाहेंगे आप? जी कितनी गर्मी है? तो गर्मी में जैसा रिक्शा चलाना है मुश्किल हो जाता है। तो रिक्शा चलाते हैं तो कितनी गर्मी लगती है आपको? हाँ जी सब बहुत गर्मी लगती है, लेकिन पेट पापी पेटी है, जो कुछ करवाए तो बढ़िया है। पेट के लिए करते हैं आप? पेट के लिए ही करना पड़ता है, घर से बाहर आए हैं भाई। पानी पूरी पीते हैं? पानी पीते हैं जब। जी आप बताइए सर, क्या होता है, कितनी गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है। कुछ तापमान में रात मिली है? थोड़ा सा मिला, हवा हवा चल रहा जी, गर्मी बहुत ज्यादा है, फ्राक लगाते बच्चे लोग का, गर्मी का ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। जी सर, जी सर बोलो। कितनी गर्मी है, कुछ रात मिल पाई है? 2 दिन से ठंडी हवा भी चली है और फिर भी है जो धूप है, जो सूर्य देव है लगातार अपनी यहाँ पर तापमान बढ़ता रहा है। जी सर, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हल्का फुल्का थोड़ा फर्क पड़ा, हल्का पड़ा है, हल्का पड़ा फर्क। यानी ये कहना है कि अभी कुछ 2 दिन से तापमान घटा है, लेकिन इतना ज्यादा आराम नहीं मिला, इतना जरूर है कि मौसम में बदलाव हुआ है, लेकिन गर्मी का पारा जो बढ़ता रहा है, लेकिन 2 दिन से रात मिल पाई है, लेकिन कभी ठंडी हवा चलती है, और लेकिन दोपहर को अगर बात की जाए 12 से 3 बजे का जो टाइम होता है वो ज़्यादा धूप का है, ज़्यादा गर्मी का है, लेकिन रात कम मिल पाएगी, ये तो इंद्रदेव जब प्रसन्न होगा तभी मिल इसकी रात मिल पाएगी। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ मैं सूरज धवन, लिविंग। हरियाणा के बाकी हिस्सों का भी हाल आपको दिखाएंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि आखिर इस प्रचंड गर्मी से आप कैसे बचे। बीद द हीच, रोजाना कम से कम 7 से 8 लीटर पानी जरूर पिए ताकि पानी की कमी आप में ना हो, और धूप से आकर तुरंत पानी ना पिए, ये घातक हो सकता है आपके लिए। थोड़ा रेस्ट करें, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होने दें और फिर पानी पीजिएगा। सादा पानी पिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठंडा पीना है तो वेट कीजिए। पूरे कपड़े पहनकर धूप में जाइएगा, टैनिंग तो होगी और दूसरा धूप भी आपको तंग करेगी, लू लग सकती है। धूप में घर से निकलते हुए सिर पर ज़रूर कुछ ना कुछ कपड़ा बांध के जाइए ताकि गर्मी आपके सर को ना जकड़ ले। सफ़ेद हल्के रंग के या फिर खुले कपड़े, सूती कपड़े आप डाल सकते हैं और धूप में नंगे पाँव ना निकलें, छारे पड़ सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी इतनी है कि आपके लिए घातक हो सकती है। मसालेदार चीज़ें ना खाएं, बीमार हो सकते हैं आप। ज़्यादातर फ्रूट का इस्तेमाल करें, लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हल्का फुल्का खाना खाएं या फिर कम मसाले कीजिए आप। ऐसी फल और सब्जियों का सेवन करें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे वाटरमेलन, तरबूज, खरबूजा इत्यादि इत्यादि। दही, लस्सी, छाछ पी सकते हैं, गन्ने का रस भी अच्छा है, नींबू तो रामबाण है ही है, फ़ायदेमंद है ही है। और खाने में कच्चे प्याज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कच्चा प्याज लू से आपको बचाता है। भिवानी में पारा अभी नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है, हालांकि दिल्ली एनसीआर सहित सभी स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी वाली चीजें भी नजर आई हैं और यहां केवल बादल ही छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई है। आसमान देखिए आप किस तरीके से हल्के फुल्के बादलों के साथ घिरा हुआ था, और भिवानी क्षेत्र जो कि रेगिस्तान सीमा से सटा हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में बारिश के ना होने के कारण गर्मी और बढ़ गई है। देखा जाए तो पिछले 2-3 सप्ताह जबरदस्त गर्मी थी, और गर्मी तो आज भी है, लेकिन हवा चल रही थी, इस कारण ये है कि लोगों को बहुत सारी रात मिली हुई है।
पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है और गर्मी का असर हिसार में भी देखने को मिल रहा है। हिसार में लगभग तापमान 46 से 47 के बीच चल रहा है और यहाँ पर काफ़ी गर्मी से लोगों को आने वाले दिनों में और भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लोग अपने घर के बाहर निकलने के लिए ठंडे वस्त्र तथा तरल पदार्थ का सेवन कर बाहर निकल रहे हैं और अपने कार्य तक पहुँच पा रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर इतनी भयंकर गर्मी पड़ने लगती है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में हरियाणा में गर्मी से कुछ राहत की उम्मीद है। आज शाम या कल तक हरियाणा के कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान आने वाले दिनों में और घट सकता है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।